कलाकार को नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ सेट्स के बारे में, लाइट लाइट के बारे में, जो कि सेट्स जो है, लाइट जो है वो पड़ता है जहाँ पर भी, जिस जगह में, उस जगह में उसका एक प्रभाव दिखता है। लाइट के जरिए ही हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं और आर्ट के फील्ड में लाइट का बहुत बड़ा योगदान है। अगर लाइट के विषय में मैं बात करूँ तो इससे काफी ज्यादा वीडियोज, काफी ज्यादा बातें हम कर सकते हैं, लेकिन अभी का जो हमारा एक बात है वो है कि हमारे पास में एक बॉल है। बॉल को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले देखने के लिए हमें चाहिए लाइट। हम अंधकार में नहीं देख सकेंगे बॉल को, तो उसमें जो लाइट पड़ रहा है, जिस वे से पड़ रहा है, जिस जगह से पड़ रहा है, वो सबसे बड़ा चीज है। अगर हम देखेंगे कि लाइट पड़ रहा है ऊपर से बॉल के पास, तो बॉल का जो ऊपर वाला भाग है वो ज्यादा ज्यादा लाइट में रहेगा, उसका जो नीचे वाला भाग है वो पूरा का पूरा ब्लैक रहेगा, उसमें परछाई रहेगा, उसमें शेड्स रहेगा। लेकिन शेड्स में भी बहुत सारा वेरिएंट है। वो शेड्स ऊपर से नीचे, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे, मतलब ऊपर नीचे होते रहता है। उसका भी 1 2 3 4 5 6 एक जरिया है, एक लेयर है। उस लेयर के ऊपर में हम बात कर रहे हैं। तो अगर आपको सेट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी नहीं है तो सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जाकर बताएं कि आप और क्या सेट्स के बारे में नहीं जानते हैं। जो इस वीडियो को आप सुनेंगे उसके बाद देखेंगे, उसके बाद आप डिसाइड करना, उसके बाद कमेंट में जाकर लिख देना। तो हम अगर किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसमें जो परछाई पड़ता है उसके कारण ही हमें वो 3D 2D दिखता है। परछाई का बहुत बड़ा महत्व है, लाइट का बहुत बड़ा महत्व है। अगर मैं किसी भी पोस्टर को बनाता हूँ, पोस्टर को बनाने के बाद में उसमें मैं शैडो देता हूँ, उसमें मैं परछाई देता हूँ, तो वो पूरा का पूरा रियलिस्टिक दिखता है, या नहीं तो वो पूरा का पूरा वन वे में दिखेगा, पूरा चिपका हुआ दिखेगा। वो डिपेंड करता है लाइट के ऊपर में, उसी को सेट करते हैं। अब मैं किसी भी बॉल को लेता हूँ, उसके ऊपर से लाइट, या फिर मैं नीचे से लाइट, जिधर से मैं लाइट दूंगा तो उधर से तो लाइट पड़ेगा ही, साथ ही साथ उसका जो पीछे का भाग रहेगा, उसका जो बीच का भाग रहेगा, वहां पर बहुत सारे लेयर बनेंगे। उस लेयर को देखेंगे कि किस तरह से वहां पर लाइट पड़ रहा है। किसी भी ड्रॉइंग को बनाने के लिए हमारा लाइट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस तरह से लाइट आ रहा है, अगर मैं किसी भी विंडो के पास में खड़ा हूँ, किसी भी खिड़की के पास में खड़ा हूँ, वहां से लाइट आ रहा है और मेरा जो सब्जेक्ट है वो वहां रखा हुआ है, तो उस जगह से लाइट पड़ेगा, उसका ठीक पीछे साइड में वहां पर शैडो रहेगा। अगर मैं किसी दरवाजा के पास में खड़ा हूँ, वहां से मेरा सब्जेक्ट रखा हुआ और वहां से मैं देख रहा हूँ, तो दरवाजे से आता हुआ लाइट वहां पर बनाएगा एक शैडो। उसी तरह से अगर मैं बाहर कहीं काम कर रहा हूँ, आउटडोर में काम कर रहा हूँ, मैं तो इंडोर का बात कर रहा था, अब मैं आउटडोर में काम कर रहा हूँ, तो वहां पर बहुत सारे जगह से लाइट आते हैं और आने के बाद में, लेकिन वहां पर भी परछाई रहता है, वहां पर तरीका अलग हो जाता है इसे, ठीक है। तो इसीलिए सेट्स के ऊपर में हम लोग ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बातें करेंगे। तो अभी का जो निष्कर्ष है वो ये है कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए लाइट होना जरूरी है। लाइट किधर से पड़ रहा है ये उस समय डिसाइड करना चाहिए जिस समय हम काम कर रहे हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह से कोई भी वस्तु के ऊपर में जो लाइट पड़ रहा है, उसमें जो काम किया जा रहा है, वो किस तरह से किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग नजर को बनाएंगे, इस तरह का वीडियो हमारा आता ही रहेगा और सीरीज वाइज में इस तरह में काम करूंगा। तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किन किन टॉपिकों के ऊपर में आपको वीडियो चाहिए। तो मैं आर्टिस्ट गणेश शर्मा फिर मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में।